जो टर्म मेल में लिखा उसके बारे में बात करेंगे। अगर कोई देखना चाहता है तो प्लीज़ रुक जाए, सब्सक्राइब कर ले चैनल को और बेल आइकन दबा दे। अपना पॉइंट ऑफ व्यू बिल्कुल दीजिएगा, मैं चाहता हूँ, क्योंकि बहुत लोगों का सबका अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है, और जो मैं बोलूँगा अगर उसमें कुछ ऐड करना चाहते हैं तो बिल्कुल सुझाव दे सकते हैं। और अगर कोई किसी पार्टी का समर्थक है, इररिस्पेक्टिव ऑफ बीजेपी, कांग्रेस, जो भी, सबके मन में ये बात उठती है, बहुत लोग आवाज़ उठाते हैं कि भारत में अनएम्प्लॉयमेंट रेट बहुत ज़्यादा है, एम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा गिरी है, भाजपा को क्रिटिसाइज़ करते हैं, मोदी गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ करते हैं, सबकी बात सही है अपनी जगह पर। पर क्या किसी ने खुद के ऊपर ध्यान दिया कि वो ट्वेल्थ तक जो पढ़ाई कर रहा है, उसके बाद जो उसने डिग्री ली, उसके बाद उसको नौकरी मिलनी ज़रूरी है? क्या मिल सकती है? क्या वो इतना एलिजिबल है? वो कंपनी क्यों देगी नौकरी? क्या वो कंपनी ये बोल के हटाती है कि तुम कांग्रेस वाले हो तुमको नौकरी नहीं मिलेगी, तुम भाजपा वाले हो तुमको मिल जाएगी क्योंकि सरकार भाजपा की है, या तुम हिंदू हो तुम मुस्लिम हो ये बोल के तो देगी नहीं? वो कंपनी आपको इस बेसिस पर रखती है। आज की डेट में बड़े बड़े CEOs ने अपने मुँह से बोला है, HR मैनेजर से मुँह से बोला है कि हम आपको बुलाते हैं जिस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया है, आप आएंगे, आप अपनी डिग्री दिखाएंगे, हमने काम पर चीज़ें देख ली, साइड कर दी, हम आपसे कहेंगे कि आप ये टास्क परफॉर्म करके दिखाइए क्योंकि आपने इसके लिए अप्लाई किया है, अगर आप ये अच्छा कर सकते हैं तो आपको रहना चाहिए, तब तो हम आपको हायर करेंगे, वरना आपकी कोई ज़रूरत नहीं कंपनी में। तो आपने परफॉर्म किया, आप कर ले गए, वेरी गुड, आपको हायर कर लिएगा, लेकिन आपने वो स्किल सेट कभी डेवलप ही नहीं किया क्योंकि आपने उसकी पढ़ाई कभी की ही नहीं, तो फिर भैया टाटा बाय बाय। और फिर आप लावारिस बेरोजगारों की तरह रोड पे घूमिए और सरकार को क्रिटिसाइज़ करिए, और उससे आपका 1% भी फ़ायदा नहीं होगा, फ़ायदा उस पार्टी को होगा जो अपोजिशन में बैठी है, वो आपको भुना भुना के फ़ायदा ले लेगी, और जब अगर वो सत्ता में आएगी तो भी कुछ नहीं करेगी। अब मेरा पॉइंट कहाँ है, मेरा पॉइंट शुरू कहाँ से होता है? मेरा पॉइंट शुरू होता है तब जब ब्रिटिश रूल में लॉर्ड मैकॉले ने हमारे एजुकेशन सिस्टम के साथ छेड़छाड़ की, और उस मानसिकता से की कि कैसे इन लोगों को अपना गुलाम बनाया जाए ताकि वो भविष्य में हमारा काम कर सकें, हमारे शब्दों को समझ सकें, हमारे लिए काम कर सकें, और इनडायरेक्टली अंग्रेजों की एक वर्चुअल सेना कह दें, मतलब ऐसी सेना, स्लीपर सेल समझ लीजिए, कि कभी भी ज़रूरत पड़ेगी हमारे शब्दों को ही समझ जाएंगे, हमारे हिसाब से काम करेंगे, क्योंकि कल्चर तो ये हमारा अडॉप्ट करने जा रहे हैं, अंग्रेजी कल्चर, इंग्लिश पढ़ेंगे तो उसी हिसाब से काम करेंगे। आप देख लीजिए असर आज के डेट में नजर आ रहा होगा, लोगों को अपने पैरेंट्स के साथ रहने का मन नहीं करता जैसा वेस्टर्न कल्चर में होता है, लोगों को अपने नाम ऐसे ऐसे अजीब अजीब से रखने हैं, लोगों को घर में मम्मी पापा बुलाना है, मम्मी मम्मी क्या होता है, मम्मी इजिप्शियन वर्ड है, मम्मी मम्मी मतलब मरा हुआ, डेड डेड बॉडी, लेकिन डैड अगर हम लोग बोलते हैं तो डैड मतलब डेड जैसा साउंड करता है, और डेड मतलब मरा हुआ। और अगर आप एक चीज़ रिलेट करें तो बचपन से ले क्लास 6, 7 या 8, 9 तक बैग्स हमारे इस तरीके से बनाए गए, इतने सब्जेक्ट ऐड किए गए, इतनी मोटी मोटी किताबें ऐड की गई कि बच्चा सुबह सुबह जाए, चलो सुबह सुबह एनर्जी बहुत है, उठा के ले गया, घर आते आते बच्चे का शरीर से ज़्यादा वजन उस बैग का होने लग जाता है और पूरा शरीर उसका पोस्चर खराब हो जाता है, फिर बच्चों की फिजिकल ग्रोथ नहीं हो पाती, मतलब हर तरीके से आप इनडायरेक्टली किसके गुलाम बन रहे हैं। और आपने ये भी सुना होगा, मैं फिर मिक्स कर रहा हूँ, कि कई बाहर के देश ऐसे हैं जो बच्चों को उसी हिसाब से प्रिपेयर करते हैं कि उनको भविष्य में करना क्या है, फालतू की पढ़ाई कराते ही नहीं है, ये सुना होगा, अगर नहीं सुना तो गूगल कर लो। तो फिर इस तरीके से मैकॉले के एजुकेशन सिस्टम से हमारा ये बेड़ा गर्क हुआ। उसके बाद आए मौलाना आज़ाद, वो हमारे भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे, किसी को नहीं पता हो तो जान लो, उन्होंने इस तरीके से बेड़ा गर्क किया कि भारत में कभी भी हिस्ट्री पढ़ाई जाएगी, अभी तक तो यही चल रहा है, अभी सरकारें बदलें तो ठीक है, शुरुआत होगी बाबर, अकबर, औरंगजेब, हुमायूं, ताजमहल, लाल किला, ये सब, मतलब जितना मुगलों को अपीज करो, अप्रिशिएट करो, उनको एडमायर करो, क्यों करें मुगलों को एडमायर, क्यों, एक मुझे कोई कारण कमेंट बता दे कि मुगल किस लायक है, मुगल का क्या कंट्रीब्यूशन है, मुगलों का हमसे क्या रिश्ता है, मुगलों का हमसे कोई रिश्ता नहीं है, वो यहाँ पे आए हमसे प्यार करते थे इसलिए तो नहीं आए, उन्होंने लूटा, लोगों से काम कराया, औरतों का बलात्कार किया, कन्वर्ट किया, आज के मुसलमान उसी हरकत का एग्जाम्पल है, और खुद कन्वर्ट हो गए तो हम लोगों को धमकाते हैं कि हम सबसे प्योर क्वालिटी के मुसलमान हैं और तुम हिंदू हो, तुम काफिर हो, खैर उस मुद्दे पे नहीं आते। तो मौलाना आज़ाद की वजह से भारत के नागरिकों को अपने पूर्वजों पे गर्व ना हो सके ऐसी पूरी कोशिश की गई, पूर्वजों यानी कि छत्रपति शिवाजी महाराज, महाराणा प्रताप, चंद्रगुप्त, पृथ्वीराज चौहान, राम, और जितने भी जितनी भी चीज़ें हुई वो कभी हमारी हिस्ट्री की किताबों में आ ही नहीं पाया।
यहाँ तक कि 2007 में कांग्रेस द्वारा ये कोशिश की गई कि वो जो पुल है जो भारत को श्रीलंका से जोड़ता है, जिसका जिसका उल्लेख रामायण में है, जिसकी पहचान साइंटिफिकली कर ली गई है कि जो उस पत्थर के नीचे रेत है वो 4000 साल पुरानी है और जो पत्थर है वो 7000 साल पुराना है, तो मतलब है कि इसका साइंटिफिक रीज़न है और ये लिंक करता है उस स्टोरी से और ये साबित करता है कि राम भी थे। लेकिन क्योंकि मुसलमानों की अपीजमेंट करनी थी, क्योंकि बाबरी मस्जिद से ध्यान हटाना था, क्योंकि केस चल रहा था तो उनको लगा था कि बाबरी मस्जिद की वजह से हाथ से ना चला जाए बाबरी मस्जिद वाला मामला हमारे, तो हम अपीजमेंट करते हैं, एक बार पुल तोड़वा देते हैं। पूरी कोशिश होगी, सुब्रमण्यम स्वामी आज की डेट में अगर नहीं होते, उसमें दखल ना दिया होता, तो वो पुल हमारे हाथ से जा चुका होता। और कारण क्या दिया गया कि इकोनॉमी बचाने के लिए, इकोनॉमिकल फ़ायदों के लिए हम उसको तोड़ेंगे राम सेतु। मेरी सरकार से गुजारिश है, मेरी जनता से गुजारिश है कि उसको नेशनल हेरिटेज घोषित कराया जाए, सरकार की संपत्ति घोषित कराई जाए, किसी तरीके से उसको प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ बिल एक्ट जो सिक्योरिटी प्रोवाइड कराई जा सके उसको कराई जाए। वरना मुझे लगता है कि कभी भी कोई ऐसी मानसिकता वाली हिंदू विरोधी या भारत विरोधी कोई सरकार आई तो वो राम सेतु नहीं बचने वाला है। खैर, मैंने सारी बातें कवर कर ली हैं कि कैसे क्या क्या हुआ। अभी आपके ऊपर है कि आप सोचिए कि सच में क्या आपके 12th तक की पढ़ाई और कॉलेज तक की पढ़ाई या कॉलेज की डिग्री कभी भी, जब तक आप स्पेसिफिकली कोई प्रोफेशनल कोर्स ना कर रहे हो, लेकिन जब तक आप किसी पर्टिकुलर कोर्स के अलावा जनरल पढ़ाई करते हैं ना, 12th तक पढ़ाई कर ली, उसके बाद नॉर्मल कुछ भी कोर्स करके कॉलेज कर लिया, बस सिर्फ फॉर द सेक ऑफ डिग्री कि बस डिग्री ले लें जॉब कर लें, तो उसका कुछ भला नहीं होने वाला। आप अपने अंदर की स्किल को डेवलप करिए, उतने कैपेबल बनिए, कंपनियाँ हाथों हाथ हायर करेंगी, अगर नहीं कर सकती तो आपके पास फ्रीलांस का मौका है, आप अपने लिए काम करिए, दूसरों को अपना काम बेचिए, आप ऐसे बहुत कुछ सीखेंगे। इंटरनेट है, सोशल मीडिया, तमाम ऐसे डिजिटल प्लेटफॉर्म हैं कि आप यहाँ भारत के लखनऊ में बैठे हैं अगर, तो आप लंदन तक डील कर सकते हैं। सिर्फ एक मेल के थ्रू आप अपने प्रोजेक्ट को भेज सकते हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू हर वो डीलिंग कर सकते हैं, तो क्या जरूरत है किसी को डिपेंडेंट रहने की। अगर आपके अंदर वो क्षमता ही नहीं है तो फिर कंपनियाँ भी नहीं लेंगी, और क्षमता है तो आप खुद के लिए भी काम कर सकते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।